हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे एनकोडर एंड डिकोडर। ये एनकोडर और डिकोडर क्या होते हैं? तो अभी तक अपने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर। ये एक नए कॉम्बिनेशनल सर्किट है एनकोडर और डिकोडर। आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा कि हम एनकोड कर रहे हैं डेटा को या हम डिकोड कर रहे हैं डेटा को। तो जो डिवाइस डेटा को एनकोड करता है उसको हम कहते हैं एनकोडर, और जो डिवाइस डेटा को डिकोड करता है उसको हम कहते हैं डिकोडर। ठीक है, डेटा को एनकोड किया जाता है सेंडिंग साइड में और डेटा को डिकोड किया जाता है रिसीविंग साइड में। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एनकोडर और डिकोडर का। एनकोडर एंड डिकोडर बोथ आर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट डिवाइस। ये दोनों हमारे मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट डिवाइस है, यानी इसमें हमारे पास मल्टीपल इनपुट भी होंगे और मल्टीपल आउटपुट भी होंगे। अभी तक प्रीवियस वीडियो में अपन ने मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर पढ़े थे। मल्टीप्लेक्सर क्या है हमारा? मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट डिवाइस है। डी मल्टीप्लेक्सर क्या है हमारे? सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट डिवाइस है। लेकिन एनकोडर और डिकोडर हमारे मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सर्किट है। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस हो गया मल्टीप्लेक्सर और एनकोडर और डिकोडर में। अब बोथ आर कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये दोनों हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट हैं। एनकोडर हैविंग एन नंबर ऑफ इनपुट लाइन एंड एन नंबर ऑफ आउटपुट लाइन। जो एनकोडर होते हैं उसमें हमारे पास एन नंबर ऑफ इनपुट लाइन होती है और एन नंबर ऑफ आउटपुट लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप ये है कि जो m की वैल्यू है, m इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 2^n। यानी जो हमारी इनपुट लाइन होंगी उनकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए 2^n। इससे कम हो सकती है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। यानी यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ इनपुट होंगे और आउटपुट हमारे कम होंगे इनपुट के कंपेरिजन में। फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो इनपुट होंगे, इनपुट लाइन होंगी वो ज्यादा होंगी हमेशा, आउटपुट लाइन कम होंगी। और क्या रिलेशन होगा, क्या लॉजिक होगा? तो n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2^n होनी चाहिए, जहां पे n हमारे आउटपुट है और m हमारे इनपुट है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इनपुट लाइन आर मैक्सिमम 2^n। तो जो बेसिक फंक्शन है एनकोडर का वो है जो भी हमारा इनपुट डेटा है उसको कॉम्पैक्ट कोड में कन्वर्ट करना। ठीक है, अपन कहते हैं ना कि हमने क्या किया, डेटा को एनकोड कर दिया। एनकोड करने का मतलब है जो हमारा इनपुट डेटा है उसको हमने एक कॉम्पैक्ट, एक स्मॉल कोड में कन्वर्ट कर दिया। स्मॉल कोड में कन्वर्ट करने की ये जो प्रोसीजर होती है उसको हम कहते हैं एनक्रिप्शन। ठीक है, एनक्रिप्शन मतलब जो भी हमारा बिग डेटा है उसको हम कंप्रेस करके, एनकोड करके स्मॉल डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं और एक कॉम्पैक्ट कोड बना देते हैं। ठीक है, अब ये कॉम्पैक्ट कोड बनाने का पर्पस क्या है? तो पर्पस ये है कि जो हमारा कम्युनिकेशन चैनल होता है, यानी आपका जो टेली कम्युनिकेशन चैनल है या जो आपका इंटरनेट वर्किंग है, उसमें क्या होता है, हमारे पास सेंडिंग साइड में एक एनकोडर लगा होता है और रिसीविंग साइड में एक डिकोडर लगा होता है। ठीक है, रिसीविंग साइड। अब एनकोडर का सेंडिंग साइड में फंक्शन क्या होता है? तो एनकोडर क्या करता है, जो भी हमारे पास लार्ज इंफॉर्मेशन होती है, इनपुट डेटा होता है, उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यानी हमारी इंफॉर्मेशन को कॉम्पैक्ट कोड में चेंज कर देता है और इस कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन को हम सेंड कर सकते हैं लेस बैंडविड्थ में, लेस कम्युनिकेशन चैनल का यूज करके ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, जिससे हमारे एरर के चांसेस कम हो जाएंगे, हमें लेस नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल की रिक्वायरमेंट होगी, हमारी बैंडविड्थ हमें कम यूटिलाइज होगी और एरर होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन को जब हम सेंडिंग मशीन में देते हैं तो सेंडिंग साइड में हमारे पास एक डिकोडर लगा होता है। ये डिकोडर इस कॉम्पैक्ट कोड को रिसीव करता है और उसको फिर से एक्सपांड कर देता है हमारी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में जो हमारे सेंडिंग मशीन ने सेंड की थी। ठीक है, तो
इस तरीके से पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, चाहे आपका इंटरनेट वर्किंग हो, चाहे आपका मोबाइल टेली कम्युनिकेशन हो, वो सारे कम्युनिकेशन इसी कंसेप्ट पे काम करते हैं। तो सेंडिंग साइड में एनकोडर इसलिए हम यूज करते हैं और रिसीविंग साइड में हम डिकोडर यूज करते हैं। डिकोडर का जो फंक्शन है जस्ट अपोजिट है हमारे एनकोडर के फंक्शन से। तो अगर आपको इन दोनों में एक का भी फंक्शन समझ में आ जाता है तो दूसरे का फंक्शन आप बहुत इजीली समझ लोगे। फंक्शन ऑफ डिकोडर इज अपोजिट टू द एनकोडर। हमारे डिकोडर का फंक्शन हमारे एनकोडर से बिल्कुल अपोजिट होता है। एनकोडर में हम एनक्रिप्शन करते हैं, यानी कॉम्पैक्ट कोड जनरेट करते हैं, और डिकोडर में हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, यानी उस कॉम्पैक्ट कोड को फिर से हम एक्सपांड करते हैं ओरिजिनल डेटा के फॉर्म में। और उसका सिग्निफिकेंस ये है कि हमारी बैंडविड्थ कम लगती है डेटा को सेंड करने के लिए, हमारी एरर होने के चांसेस कम होते हैं, हमारे कम्युनिकेशन चैनल रिड्यूस हो जाते हैं और हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हमारा सिग्निफिकेंस था एनकोडर और डिकोडर का। अब अपन एनकोडर डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा एनकोडर एक्सप्लेन करूंगी। एनकोडर की फंक्शनिंग अपन देखेंगे कि एनकोडर इंक्रिप्शन प्रोसेस कैसे करता है या कॉम्पैक्ट कोड कैसे जनरेट करता है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक एनकोडर है जिसमें चार इनपुट है, ठीक है, D0, D1, D2, D3, ठीक है, और दो आउटपुट है A, B, ठीक है। अब हर इनपुट की वैल्यू क्या होगी, चार कॉम्बिनेशन हमारे ये हो सकते हैं 00, 01, 10 और 11। मान लीजिए इस 4x2 एनकोडर में हमारा एक इनपुट ऐसा है जो हमेशा हाई रहता है। मान लीजिए हमारा D0 जो है वो हमेशा हाई रहता है, लेकिन D1, D2, D3 हमारे हमेशा लो रहते हैं। तो हमारा एनकोडर क्या करेगा, जो इनपुट हमारे लो रहते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को सेंड नहीं करेगा, जो हमारा इनपुट हमेशा हाई रहता है केवल उसी को आउटपुट में सेंड करेगा। तो आउटपुट में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 00। तो यहां पे देखिए हम चार कम्युनिकेशन चैनल का यूज करने की जगह केवल दो कम्युनिकेशन चैनल का यूज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। यानी यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर ऑफ डेटा लाइंस को रिड्यूस कर दिया। इस तरीके से हम कॉम्पैक्ट कोड जनरेट करते हैं एनकोडर की हेल्प से। मान लीजिए हमारा D0 भी लो रहता है और D2 हमारा हमेशा हाई रहता है, तो हमारा एनकोडर क्या करेगा, D0, D1 और D3 जो लो रहते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को सेंड नहीं करेगा, वो आउटपुट में क्या इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, D2 की, यानी 1 और 0। तो हमें चार कम्युनिकेशन चैनल की जगह केवल 50% दो कम्युनिकेशन चैनल का यूज करना पड़ रहा है इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। तो इस तरीके से हम कॉम्पैक्ट कोड जनरेट करते हैं एनकोडर में। अब इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें मालूम है इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप या लॉजिक हम फाइंड कर चुके हैं, तो इसका ट्रुथ टेबल बना लीजिए। तो ट्रुथ टेबल देखिए, हमारे पास चार इनपुट है D0, D1, D2, D3 और दो आउटपुट है A और B। अगर हमारा D0 इनपुट हाई है, बाकी सारे इनपुट हमारे लो हैं, तो हमारे आउटपुट में कोड क्या जनरेट होगा या वैल्यू क्या आएगी, 0, 0, क्योंकि अगर हमारा D0 बस हाई है बाकी इनकी वैल्यू लो है, तो हमारा एनकोडर क्या करेगा, इसी D0 की वैल्यू भर को सेंड करेगा आउटपुट में, ठीक है, तो ये आ जाएगी 0, 0। अगर हमारा D1 हाई है बाकी सारे लो है, तो हमारे आउटपुट में क्या वैल्यू जाएगी, D1 की वैल्यू जाएगी 0 और 1। अगर हमारा D2 हाई है बाकी सारे लो है, तो आउटपुट में क्या वैल्यू जाएगी, 1, 0, तो 1, 0। अगर हमारा D3 हाई है बाकी सारे लो हैं, तो आउटपुट में क्या वैल्यू जाएगी, 1, 1। तो ये हमने एक ट्रुथ टेबल बना दिया जो हमारे आउटपुट और इनपुट के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। अब हमें इसके लिए इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हमें मालूम है ट्रुथ टेबल से इक्वेशन हम आउटपुट के लिए फाइंड करते हैं। तो एक इक्वेशन ए के लिए आ जाएगी, एक इक्वेशन बी के लिए आ जाएगी SOP फॉर्म में। तो A के लिए यहाँ पे देखिए, A के लिए हमारा ये वाला इनपुट कॉम्बिनेशन यूज होगा,
और ये वाला इनपुट कॉम्बिनेशन होगा, यानी ए के लिए हमें डी टू मिलेगा, डी टू प्लस डी थ्री, ठीक है। इसी तरीके से बी के लिए ये वाला आ जाएगा हमारा, यानी डी वन प्लस डी थ्री। तो ये हमारी ए और बी की इक्वेशन आ गई। इसका हमें सर्किट बनाना है, तो सर्किट हम और गेट की हेल्प से बना लेंगे बहुत इजीली। तो यहां पे देखिए हमने दो और गेट लगाए, एक और गेट ये है जो हमें ए आउटपुट देगा और एक और गेट ये है जो हमें बी आउटपुट देगा। ए के लिए हमें डी टू डी थ्री चाहिए, तो हमने यहां से डी टू इनपुट में दे दिया, यहां से डी थ्री दे दिया। बी में हमें डी वन और डी थ्री चाहिए, तो डी थ्री हम यहां से ले लेंगे और डी वन हम यहां से दे देंगे। तो इस तरीके से ये देखिए हमारा सर्किट डिजाइन हो गया 4-2-2 लाइन एनकोडर का, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे 8-3 लाइन एनकोडर डिजाइन करिए तो कैसे करेंगे, वो भी अपन देख लेते हैं। 8-2-3 लाइन एनकोडर ये हमें डिजाइन करना है। यहां हमें मालूम है 8 इनपुट है और 3 आउटपुट होंगे, क्योंकि 2^3 इक्वल टू ही 8 होता है और 2 हमारे बाइनरी का बेस होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 8 इनपुट लाइन को हम थ्री आउटपुट में कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 8-3 एनकोडर बनेगा ये। सबसे पहले यहां पे 8-3 लाइन एनकोडर बना लीजिए जिसमें 8 इनपुट होंगे। आउटपुट कितने होंगे, 3, ए बी सी, ठीक है। ये 8 कॉम्बिनेशन हमारे क्या हो सकते हैं, तो ये 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 0001 0010 0011 1001 1101 1101, ठीक है। अब अगर इनमें से D0 से D7 में अगर हमारा एक भी इनपुट हाई है, तो जो इनपुट हाई है वही हमारे आउटपुट में जाएगा, यानी मान लीजिए हमारे D2 हमेशा हाई रहता है, बाकी सारे हमारे लो रहते हैं, तो D2 की जो इंफॉर्मेशन है वही हमारे आउटपुट में जाएगी 010। इस तरीके से हम एनकोड करेंगे डेटा को। तो इसके लिए हम ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप अपने इनपुट लिख लीजिए, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 और D7, ये इनपुट्स हो गए। आउटपुट क्या है, ए बी सी, ठीक है, ये आउटपुट आ गया। जब हमारा D0 इनपुट हाई होगा, बाकी सारे इनपुट हमारे लो होंगे, तो हमारे आउटपुट में क्या वैल्यू आएगी, 000। यहां से देखिए अगर D0 बस हाई है बाकी सारे लो हैं, तो हमारी D0 की जो 000 वैल्यू है वो हमें आउटपुट में मिलेगी, ठीक है। अगर हमारा D1 हाई है बाकी सारे लो हैं, तो जो D1 का वैल्यू है वो हमें आउटपुट में मिलेगा 001, यानी 001। अगर हमारा D2 हाई है बाकी सारे लो हैं, तो हमें आउटपुट में D2 की वैल्यू मिलेगी 010 010। अगर हमारा D3 हाई है बाकी सारे लो हैं, तो हमें 011 मिलेगा आउटपुट में, ठीक है। इसी तरीके से आपको पूरा करना है।
तो ये आपका बन गया ट्रुथ टेबल। यहाँ पे आपको देखिए एक स्पेशल चीज है कि ये हमारे डायगोनली वन है, सारे इनपुट हमारे डायगोनल में वन आएंगे, ठीक है। तो ये ट्रुथ टेबल आ गया। अब हमें ए बी और सी के लिए इक्वेशन लिखनी है एसओपी फॉर्म में। तो ए में देखिए, ए में हमारे ये चार वन है, चार के लिए यहां पे ये आ जाएगा डी फोर प्लस डी फाइव प्लस डी सिक्स प्लस डी सेवन, ठीक है। बी के लिए देखिए ये दोनों और ये दोनों हाई है, मतलब टू और थ्री डी टू प्लस डी थ्री और डी सिक्स और डी सेवन। ऐसे ही सी के लिए देखिए, सी के लिए हमारा ऑल्टरनेट हाई है, यानी डी वन डी थ्री डी फाइव डी सेवन। ये हमने इक्वेशंस निकाल ली आउटपुट की ए बी सी की अपने ट्रुथ टेबल से। अब हमें इसे इंप्लीमेंट करना है और गेट की हेल्प से, क्योंकि और गेट की हेल्प से ही हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं इजिली। तो कैसे करेंगे ये आप सब नोट कर लीजिए, मैं रब कर रही हूं। इंप्लीमेंट करने के लिए लॉजिक गेट की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहां पे बना लीजिए डी जीरो डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव डी सिक्स डी सेवन, ठीक है। हमें तीन और गेट लगेंगे, तो हमने एक और गेट ये ले लिया, एक और गेट ये ले लिया और एक और गेट और एक और गेट ये बना लिया। यहां से हमें ए मिलेगा, ये बी आउटपुट, यहां से सी आउटपुट। ए है डी फोर डी फाइव डी सिक्स और डी सेवन, डी फोर डी फाइव डी सिक्स और डी सेवन, ठीक है। बी है डी टू डी थ्री डी सिक्स डी सेवन, डी टू डी थ्री डी सिक्स और डी सेवन। सी है डी वन डी थ्री डी फाइव डी सेवन, डी वन डी थ्री डी फाइव और डी सेवन, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट डिजाइन हो गया एट लाइन टू थ्री लाइन एनकोडर का। तो इस तरीके से आप कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हो, जैसी मैंने आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट की प्रोसीजर बताई है कि सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम बनाना है, फिर इक्वेशन निकालनी है और फिर आपको सर्किट डिजाइन करना है। तो यहां पे मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि ये जो एट टू थ्री लाइन एनकोडर है वो हमारे ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर की तरह भी वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर का। अगर आपसे कोई कहता है कि ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर डिजाइन करिए, तो आपको एट टू थ्री लाइन एनकोडर डिजाइन करना है इसी तरीके से, ठीक है। और एग्जाम्पल कौन कौन से हैं एनकोडर के, तो दूसरे एग्जाम्पल है एनकोडर के हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एनकोडर, डेसिमल टू बाइनरी एनकोडर, ठीक है, ये और ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर, ये हमारे एनकोडर के एग्जाम्पल होते हैं। और ये क्यों एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता देती हूं कि एनकोडर में m नंबर ऑफ इनपुट हो सकते हैं और n नंबर ऑफ आउटपुट होते हैं, जहां पे m इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n होता है, ठीक है। ये हमारे इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा इनपुट में लार्ज डेटा आ रहा है उसको हम आउटपुट में कॉम्पैक्ट कोड के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन जो है उसमें हम क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल का बेस है 16, बाइनरी का बेस है 2, यानी अगर एक हेक्साडेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में कोड करना है तो कितने बिट में कोड करोगे, 2 रेस टू द पावर 4 इक्वल टू 16, यानी हम
16 डेटा सेंड ना करके 4 में उसको कोड कर ले बाइनरी में, ठीक है। ऐसे ही ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी में ऑक्टल का बेस होता है 8, बाइनरी का बेस होता है 2। तो अगर हमें ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कॉम्पैक्ट कोड में चेंज करना है तो 2^3 इक्वल टू होता है 8, यानी एक ऑक्टल डिजिट को हम 3 बाइनरी डिजिट की हेल्प से कोड कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं एनकोडर के। तो ये पूरा कंसेप्ट होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।